मध्य प्रदेश में चुनावी महासंग्राम कपड़े फाड़ने तक पहुंच गया है। कपड़े फाड़ने से पहले बात कांग्रेस की करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनी तो आप यकीन मानिए आईपीएल में मध्य प्रदेश की टीम को आप खेलता हुआ देख पाएंगे। कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है और 101 वचनों को पूरा करने की गारंटी भी दी है। कांग्रेस के मंच पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। ऐसे में कमलनाथ ने अपने दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो बयान पर सफाई दी। पहले हम आपको बताते हैं इस कपड़े फाड़ो की शुरुआत कैसे हुई। पीसीसी चीफ कमलनाथ रोज की तरह क्रिकेट चाहने वालों से मिल रहे थे, तभी दिग्विजय सिंह के प्रभाव क्षेत्र के वीरेन रघुवंशी के समर्थकों ने कमलनाथ से मुलाकात की। वीरेन रघुवंशी के समर्थक नेताओं ने कमलनाथ से टिकट को लेकर शिकवे शिकायतें की। कमलनाथ ने अपने ही अंदाज में कांग्रेस नेताओं से कह दिया, जाओ और दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो, क्योंकि बताते हैं वहां का टिकट फाइनल करवाने में दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह की बड़ी भूमिका रही है। कमलनाथ का यह कहना मीडिया की सुर्खियां बन गया। पहले सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आखिर कहा क्या। बस यहीं से कपड़े फाड़ो राजनीति का रोचक किस्सा शुरू हो गया। कमलनाथ के दो शब्द कपड़े फाड़ो, कांग्रेस के साथ भाजपा भी चटकारे लेकर सुनने सुनाने लगी। इसके बाद बारी कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता दिग्विजय सिंह की थी। आज दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की। उन्होंने लिखा, जब परिवार बड़ा होता है तो सामूहिक सुख और सामूहिक द्वंद दोनों होते हैं। समझदारी यही कहती है कि बड़े लोग धैर्य पूर्वक समाधान निकालें। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो मन और मेहनत का मेल रखते हैं। इस पोस्ट में भी दिग्विजय सिंह का राजनीतिक कौशल साफ नजर आया। आज जब भोपाल में कांग्रेस का वचन पत्र जारी किया गया तो कमलनाथ ने इस मामले का पटाक्षेप करने के लिए कहा, मैंने ये मजाक में कहा था। कमलनाथ की मुस्कुराहट से दिग्गी राजा का गुबार भी फूट पड़ा और उन्होंने कह दिया, कपड़े उनके फाड़े जाने चाहिए जो ए और बी फॉर्म पर दस्तखत करते हैं। इसके बाद कमलनाथ ने कहा, मैंने बहुत पहले ही दिग्विजय सिंह को एक पावर ऑफ अटर्नी दी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, गाली खानी है। पहले इस रोचक वाक्य पर नजर डाल लीजिए। कॉन्फ्रेंस से पहले जो आपने सबसे पहले मुझे प्रश्न पूछा था कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने, मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़ने। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ। अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो, और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मैं, मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया बीजेपी अपनी चला रही है। बात हम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है ग्रीस पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कर्दे घूट करेंगे, पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे। इस कपड़े फाड़ो अभियान के बाद दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और लिखा, कमलनाथ और मेरे पारिवारिक रिश्ते 1980 से हैं। हमारे बीच कई बार कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं। दो मित्रों में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद नहीं रहे। ये मेरे और कमलनाथ जी के बीच मजा किया संवाद है। ये तो रही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की बात, लेकिन सच ये भी है कि अगर सिर्फ मजाकिया बात होती तो दिग्विजय सिंह इसे इतना गंभीरता से लेते ही नहीं कि एक दूसरे को मंच पर ऐसा संवाद करना पड़े। लेकिन बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अभी इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।